आज हम आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर भगवान को नूडल्स और चाउमीन का भोग लगाया जाता है। यहां पर भक्तों को प्रसाद के तौर पर चाइनीज फूड दिया जाता है। इस अनोखे मंदिर का नाम चाइनीज काली माँ का मंदिर है। काली माता का ये मंदिर पश्चिम बंगाल के टेंगरा में स्थित है। अपने इसी अनोखेपन के कारण काली माता का ये मंदिर दुनिया भर में जाना जाता है। आइए जानते हैं चाइनीज काली माता के मंदिर के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें। इस मंदिर का इतिहास काफी अनूठा है। माता के इस मंदिर का निर्माण चीनी लोगों ने करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ पहले एक पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे कुछ काले पत्थर रखे हुए थे, जिसे माँ काली के प्रतीक के तौर पर पूजा की जाती थी। इस जगह पर उस समय कई चीनी लोग रहा करते थे। अचानक एक दिन किसी चीनी लड़के की तबीयत खराब हो गई। उसके बचने की बहुत कम संभावना थी। उस समय बाद लड़के के माता पिता ने उसके स्वास्थ्य को लेकर माता से प्रार्थना की और माता काली की श्रद्धा पूर्वक ढंग से पूजा की। माता की इस पूजा के बाद लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इससे उसके माँ बाप काफी खुश हुए और उन्होंने वहां पर चाइनीज काली माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तब से इस मंदिर में कई चीनी लोग आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही नहीं, मंदिर के भीतर कई चीनी पुजारी भी हैं। यहाँ पर आए भक्तों को प्रसाद के रूप में चौपसी और चाउमीन दिया जाता है। इस मंदिर में जो भक्त आते हैं, वे मंदिर के भीतर हाथ से बने एक पेपर को जलाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और बुरी आत्माएं उनसे दूर रहती है। अपने इसी अनोखेपन के कारण ये मंदिर विश्व भर में काफी चर्चित है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।